नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिव शंकर यादव। एक कथा लेके आया हूँ, हास्य कथा। एक बार एक महात्मा जी ने अपने तीन चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया। चेलों ने बोला जरूर करेंगे गुरु जी, लेकिन क्या क्या होता है परोपकार? बोले कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखियों की मदद, यही सब परोपकार होता है और क्या। तीनों बोले करेंगे गुरु जी, बिल्कुल करूँगा, एक काम जरूर किया करो दिन में। हाँ गुरु जी, जरूर करेंगे। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हाँ महाराज किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार करा दी। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद, करना चाहिए ऐसा काम। और दूसरे से पूछा तुमने? तो दूसरा चेला बोला हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया। ये तो जरूरत क्यों पड़ी, शायद समान रहा होगा। आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी में आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। तीन की जरूरत क्यों पड़ी एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तीनों बोले गुरु जी दरअसल बात ये थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था, तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें तो उपकार करना था, हमें तो परोपकार करना था, हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार करा दूं, हमें नहीं जाना, तुझे नहीं जाना, लेकिन हमें तो परोपकार करना है। उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़े और खींच करके ले गए, तो गालियां देने लगी। तीसरे ने भी हाथ पकड़ा, फिर तीनों उपकार कर दिए, परोपकार कर दिए। गुरु जी बोले मूर्खों, वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ नहीं आया? गुरु जी आप ही तो कहा करते थे कि अच्छे काम में गाली मिले तो भी परवाह नहीं करनी चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है?